नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन? तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम आपका चैनल। दोस्तों मैं हूं देवक नगरवाल आपके समझ, और आज मैं आपको बताऊंगा कुछ सैमसंग मोबाइल में जब हम फर्मवेयर को डाउनलोड करते हैं तो उसके क्या क्या तरीके मिल सकते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं। बहुत से लड़के जब सैमसंग का काम कर लेते हैं और अच्छी दुकान चालू करते हैं, और चालू करने के बाद भी वो बेसिकली जो नॉर्मल स्टॉक रूम को सर्च करते हैं, और स्टॉक रूम में उनको दो तरह की जो रूम मिलती है जिसमें सिंगल फाइल होती है और एक मल्टी फाइल होती है। आपको पता होगा सिंगल फाइल जो AP के साथ आती है, जिसके साथ आप फ्लैश करेंगे तो आपका डाटा डिलीट नहीं होगा, बट अगर मल्टी फाइल के साथ फ्लैश करेंगे तो आपका डाटा डिलीट हो जाएगा, जिसमें 3-4 फाइलें आती हैं, BL, एक P और CP और फोन की फाइल आती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आजकल की जो फ़ोनों में आ रही है वो सब मल्टी फाइल आ रही है, पर हो सकता है कि आपके पास आने वाला फ़ोन किसी बाहर कंट्री का हो, तो वो डाउनलोड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए आप एक अकाउंट बनाइए sammobile.com में, देखेंगे आपकी sammobile.com में बनने वाला अकाउंट से 1500 रुपये का एक साल की एक आपका लागत है। और आप कोई भी अगर फर्मवेयर आप डाउनलोड करते हैं और जब आप लिखते हैं स्टॉक रूम गूगल पर जाकर, तो सबसे पहले जो एक वेबसाइट आती है वो आपकी है sammobile। और अगर आप सैम मोबाइल में अपना अकाउंट बनाते हैं, भले ही आपका जैक 3X है या नहीं है, तो आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि उसमें आपको मिल जाएगी एक लीगल ओरिजिनल आपकी फर्मवेयर, और जो भी वर्जन है वो वर्जन के हिसाब से मिल जाएगा। मतलब जैसे सपोज अगर आपको पता नहीं है कि बाइनरी नंबर क्या होता है, तो बाइनरी नंबर बताना चाहूँगा कि डाउनलोड मोड पर जब हम फ़ोन को लाते हैं तो उसमें जो B कोड आता है और जो हमारी फ्लैश फाइल में U कोड होता है, वो दोनों के कोड एक होने चाहिए, तो ये हमारा बाइनरी होता है। सपोज इसी के कारण बहुत बार बाइनरी का एक मैसेज और एक एरर देखने को मिलता है। तो बहुत सारे लोग YouTube में पूछते हैं, बहुत सारे लोग नॉर्मली क्वेश्चन करते हैं, बट ये इन लोगों को आंसर इसका मिल नहीं पाता है और ठीक से वो फ्लैशिंग कर नहीं पाते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है या आपको कुछ भी समझ में आया हो और आपको लगे कि ये जो भी मैंने आपको बताया वो ज्ञान आपके लिए है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं आपको दे दूंगा नीचे लिंक है सैम मोबाइल की, और दे दूंगा कुछ अलग वेबसाइट की जहाँ पे आपको सैमसंग मोबाइल के एक सही फॉर्मवेयर आपको डाउनलोड कर सकते हैं और मिल सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग, डाउनलोड मोबाइल फ्री रिपेयरिंग एंड्रॉइड एप्स, लिंक इन डिस्क्रिप्शन।